धारा 467 में उम्र कैद की सजा और 1,00,000 रुपए का अर्थदंड, और धारा 420 में 7 साल की सजा, 50,000 रुपए का अर्थदंड, और धारा 468 में 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का अर्थदंड। ये सब भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी। और एक धारा 30 आर्म्स एक्ट, जिसमें कि जो है इनको 6 माह का कारावास और 2,000 रुपए का अर्थदंड से सजा दिया गया। कुल जुर्माना और सजा क्या हुई? कुल जुर्माना हो गया उम्र कैद, और सजा हो गई उम्र कैद, और जुर्माना हुआ 2,02,000 रुपए। और क्या बीसी के समय में मुख्तार अंसारी मौजूद थे जब? हाँ, बीसी के समय जब सुनवाई हुई आज उनके मामले की, तब वह मौजूद रहे, और न्यायालय ने जब अपना निर्णय सुनाया तब भी वो मौजूद रहे। कुछ कहा, कुछ मतलब चेहरा कुछ ऐसा लगा कि वो मायूस रहे होंगे? नहीं, सामान्य रूप से उन्होंने दंड को सुना। अब आगे और तो कुछ नहीं था। ये 467 का ये मामला था कि उस समय के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी गाजीपुर के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए थे, और वो लोग न्यायालय में उपस्थित हुए और न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया, और बयान में उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। ये मामला था वर्ष 1987 का। 87 में उन्होंने लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसी में ये सारी हेरा फेरी हुई। सारी सजाएं एक साथ चली? हाँ, ये ऐसा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 में यह प्रोविजन है कि पूर्व में जो उनको सजाएं दी गई हैं, और ये सजा सब एक साथ चलेगी। तो उसके जो वादी के वकील हैं वो कहते हैं कि जिस समय ये दरखास्त दी गई थी उस समय ये 19 से 20 साल के थे। नहीं, वादी नहीं, ये मुख्तार के वकील साहब का ये कहना था कि वो 20-22 साल के थे। तो ठीक है, वो 20-22 साल के थे, लेकिन उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, और आज से पूर्व करीब 7 मामलों में उनको पूर्व में सजा दी जा चुकी है। इसके पहले भी उन्हें आजीवन कारावास? हाँ, इसी न्यायालय द्वारा एक हत्या का मामला था, थाना चेतगंगा, जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई। सर, अपना पक्ष बता। मैं विनय सिंह, एडीजीसी क्रिमिनल, एमपीएमएलए को। एक अभियोग लगभग 34 वर्ष पूर्व लिखा गया था। आरोप ये था कि तत्समय मुख्तार अंसारी द्वारा तथा इसके सहयोगियों के द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन एसपी गाजीपुर, इनके फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया, शस्त्र रखे गए थे खरीद कर। तत्समय इसकी जांच हुई थी, जांचोपरांत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी अभियोग के विचारण में एमपीएमएलए कोर्ट बनारस द्वारा इसको सजा सुनाई गई है। उसमें आर्म्स एक्ट में भी है और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में भी है, जिसमें आजीवन कारावास और 2,02,000 का आर्थिक दंड की सजा है। बाकी और सेक्शंस में भी है जो सजा दी गई है।